चैनल सुवायु व्लॉग्स। सो गाइस, आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं और कलर करने वाले हैं एक सनसेट बीच सीनरी को। सो गाइस, फर्स्ट हमें एक कोई भी शीट चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपने ड्राइंग और कलरिंग बुक का एक शीट लिया हूँ, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। और फिर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन स्केल के मदद से खींच देंगे, बहुत ही हल्के हाथों से करना गाइस, डीप मत कर देना उसे। और अब हमें एक हाफ सर्कल करेंगे। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ हाफ सर्कल करने में, तो मैं एक योयो का मदद लूँगा। तो फर्स्ट हम एक योयो लेंगे और फिर इसे एक हाफ सर्कल के शेप में रख देंगे। फिर इसके आर पार ऐसे एक सर्कल हाफ सर्कल बना लेंगे। तो अब आप देखिए, ये प्रिटी लग रहा है। बट जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे हम एक बीच भी ड्रॉ करने वाले हैं। तो हम इस सन के थोड़े से दूर पे यहाँ से ऐसे 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 करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया बीच और ये हो गया पानी। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं एक बेंच जिसमें कोई मीन्स जिसमें बीच में लोग सोते हैं, मीन्स लेटते हैं। हम कोई इसमें इंसान नहीं ड्रॉ करने वाले हैं, मैं उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। ऐसे ऐसे कर देंगे और कुछ दूरी पर से वापस से ऐसे खींचेंगे और इसे ऐसे ऊपर ले जाएंगे। अब हमें इन दोनों को बंद करना होगा जिससे ये क्लोज्ड शेप हो जाएगा। याद रखना गाइस, इसे क्लोज शेप ही करना होगा, नहीं तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। अब इसके पैर बना दीजिए गाइस, ऐसे आप बनाइएगा, इससे ये अच्छा दिखेगा। हो गया गाइस। अब हम यहाँ पे लाइट लाइट ऐसे लाइन करेंगे। बाद में इसे हमें ब्राउन से शेड करना है, पेंसिल कलर आप लेंगे तो अच्छा होगा। याद रखिएगा गाइस, क्योंकि ये वो रस्सी से बना होगा और जो भी चीज़ रस्सी से बनी होती है ऐसी, और खड़ से वो ऐसी ही होती है, मीन थोड़ी थोड़ी से ब्राउन लुक लाती है। तो फिर से ऐसे करके ऊपर ले जाना है हमें। इसे हम फ्री हैंड से करें तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैं ये छोड़ रहा हूँ। आप चाहे तो और भी कर सकते हैं इस बेंच के लुक के लिए, ये ठीक है। बट आप चाहे तो इसे और भी प्रिटी बना सकते हैं। फिर हम यहाँ पे एक बॉल ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो इसे और भी प्रिटी कर सकते हैं। अब आता है हमारे कलर्स का काम। तो अब हम इन कलर्स को ले लेंगे। यहाँ पे डोम्स ऑयल पेस्टल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास गैलरी कलर्स है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो और भी बेटर होते हैं ब्लेंडिंग में। बट यहाँ पे मैं डोम्स कलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लूँगा प्राइमरी रेड, इट इज़ रिटन लाइक दिस, यहाँ पे यही लिखा है। और मैं इसे स्काई का बिल्कुल टॉप का एरिया अच्छे से कवर करूँगा। बट याद रखना गाइस, पूरा स्काई का एरिया आप रेड से ही मत कवर कर देना, क्योंकि सन हम रेड कलर का करेंगे और अगर हम दोनों ही रेड कलर का कर देंगे तो एक तो स्काई और सन एक साथ दिखने मीन्स मर्ज हो जाएंगे ऐसा लगेगा, और फिर स्काई भी अच्छा नहीं लगेगा अगर स्काई पूरा हुआ रेड। तो हमें अच्छा अच्छा चाहिए ड्राइंग, तो हमें सिर्फ ऊपर का पार्ट में ही रेड देना है। फिर अगले पार्ट में हमें दूसरा कलर देना है। और इस पार्ट में मैं लूँगा ऑरेंज। ये देखने दीजिए गाइस, मैं यहाँ पे D283 ऑरेंज ले रहा हूँ। आप चाहे तो कोई भी ऑरेंज ले सकते हैं, मैं जो कलर्स बोल रहा हूँ, बट उसी का शेड लेना। मैं इसे ऐसे
इसके साथ में मैं अगर ट्राई करूँ घोल मिक्स रखने का तो भी अच्छा है, इसे ब्लेंडिंग में और भी आसानी होगी। ज़्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा बट थोड़ी सी आसानी होगी। याद रखना गाइस यहाँ पे मत जाना चाहिए, मेरा थोड़ा सा चला गया बट कुछ नहीं, यहाँ पे वैसे ही रेड पड़ने वाला है और रेड तो वैसे ही इससे डीप है तो ये इसका ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। फिर मैं लूँगा योलो और ये मैं लूँगा लेमन योलो और ऐसे में इस लेमन योलो को भी यहाँ पे दे दूँगा, सन के साइड में देना, सन के अंदर में दे देना। एक दो बार गलती से जा सकती है बट ज़्यादा अगर हमने दी तो ये खराब भी लग सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज का मात्रा मैं और भी दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कम दिया है ऑरेंज की मात्रा। अब ये ठीक ठाक है और हम अब यहाँ पे येलो कलर से प्रोसीड करेंगे इसे कलर करने में। तो आप अगर इसको अभी देखें तो ये आपको एक ठीक ठाक लुक दे रहा होगा, कहीं पे पैर कहीं पे रंग है कहीं पे नहीं है तो ये आपको एक ठीक ठाक लुक दे रहा होगा। बट गाइस हाँ, आप इस ब्लेंडिंग के लिए टिशू भी यूज़ कर सकते हैं, मैं अपनी विंगलियों का यूज़ करूँगा और ऐसे से प्लेन कर दूँगा और सारे रंग एक साथ मिक्स कर दूँगा। मैं थोड़ा सा ब्लेंडिंग में कच्चा हो गाइस बट कुछ नहीं, हम ये आप और भी अच्छे से कर सकते हैं और हम यहाँ पे और भी कलर्स दे देंगे। अगर आप चाहे तो दूसरे ऑरेंज का शेड भी यूज़ कर सकते हैं कुछ और अच्छा दिखाने के लिए। से आप इसे ऐसे ऐसे ब्लेंड कीजिएगा, अब देखिएगा ये अच्छा लग रहा है। बट गाइस अभी ये सन बाकी है तो इस सन को हम फर्स्ट एक रेड बॉर्डर दे देंगे जिससे रेड कलर बाहर ना चले जाए। देखिए भाई ये थोड़ा सा बाहर गया बट ये अच्छा नहीं लग रहा, बट ये अच्छा लग रहा है बट ये ठीक नहीं है। अगर ऐसे ही होता क्या तो ये ख़राब हो जाता है, ये तो थोड़ा सा रेड था। गाइज रिमेंबर इस जगह पे आप कलर पेंसिल यूज़ नहीं कर सकते, आप बस इस बेंच के लिए ही कलर पेंसिल यूज़ करेंगे। जितना मैं आपको बोल रहा हूँ वही आप करेंगे तो अच्छा होगा। अब ये देखिए ये अच्छा लग रहा है गाइज। अब गाइज देखिए ये चल रहा है बट अभी भी ये हम थोड़ा सा नारियल पेड़ अब जोड़ेंगे, उसके लिए हम ब्राउन लेंगे नॉट कलर पेंसिल गाइस। हम कलर मीन्स हम इस ब्राउन कलर को ऐसे यहाँ पे ले जाएंगे, फिर हम इस ग्रीन कलर को लेंगे और ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। अब थोड़ा सा डीप शेड यूज़ करिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कम विजिबिलिटी है दूसरे कलरों के लिए, इसलिए आप डीप अगर शेड यूज़ करेंगे तो आपका जो है पेड़ वो आपको ज़्यादा विजिबल होगा। ये हो गया हमारा नारियल पेड़, आई होप ये आपको अच्छा लग रहा है गाइस। फिर हम ये योलो लेंगे और इस समुद्र में हम योलो दे देंगे। ब्लू नहीं होगा, स्काई नहीं होगा, ये तो स्काई है। अब ये इसका रिफ्लेक्शन है, वाटर ऑफ इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए पहले योलो दे रहा हूँ फिर ऑरेंज दूंगा फिर रेड दूंगा एकदम। अच्छा ये क्वेश्चन भी आप में से बहुत सारे को आया होगा इसलिए हमने ये क्वेश्चन अपने वीडियो में ऐड किया था। आप मुझे कमेंट में भी बोल सकते हैं ये ड्राइंग आपका कैसा लगा। होप सो इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट ऑन रहेगा क्योंकि कुछ वीडियो में हमें पता नहीं कैसे हमारा कमेंट ऑफ हो जाता है। यूट्यूब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस में भी कमेंट ऑन कर दीजिए, हमारे गाइस मीन्स हमारे व्यूवर्स को भी थोड़ा सा हमारे वीडियो में कमेंट कर दीजिए। गाइस आप देखिए
मैं यहाँ पे ऑरेंज ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि ऑरेंज आपको ये ब्राइट भी एक कलर है और इससे आप अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अब तक तो बहुत अच्छा है ये ड्राइंग, होप करता हूँ इसके एंड तक भी ये ऐसे ही अच्छा टिका रहेगा। फिर हम इस लाल कलर को लेंगे, लाल कलर को लेंगे, सॉरी गाइस फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन, और इसे ऐसे कर देंगे शेड। फिर यहाँ पे भी हमें सेम ब्लेंड करना है गाइस, सेम ब्लेंड। यहाँ पे आप ऐसा मत सोचना कि ब्लेंड यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी ब्लेंड होगा। और अगर आप ज़्यादा कलर देंगे तो ब्लेंड में भी थोड़ी सी इजी होगी, मीन्स पर आप गैप्स को फिल करके ही आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रेशर देना पड़ रहा है क्योंकि ये गैलरी कलर्स नहीं है। मैंने जो गैलरी कलर्स का रिव्यू सुना है वो बहुत ही अच्छा है। और गाइस ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, बट मैंने एक चैनल से सुना हुआ है, जो भी एक आर्ट चैनल है, बट उसने गैलरी कलर्स को अच्छा ही बोला है और उसमें कम प्रेशर लगता है तो वही अच्छा है। फिर ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये स्काई और ये वाटर। अब हमें मेन चीज बीच चाहिए, मीन्स नॉट मेन बट एक इम्पोर्टेंट चीज़ बीच भी चाहिए। तो हमें इस स्किन कलर जिसका यहाँ पे नाम लिखा है लाइट पीच, ये आप स्किन कलर भी बोल सकते हैं, और हमें इसे ऐसे बिखेर देना है जिससे ये एक सैंड का लुक दे। अब ये थोड़ा सा सैंड नहीं भी लग रहा है, बट मैं अब एक ऐसा कलर यूज़ करूँगा जिससे ये और भी सैंड के जैसा ही लगेगा। ये देखिएगा, पहले तो आपको इसी से ही देना है, मुझे पता है ये बॉल थोड़ा सा पोके बॉल के जरा जरा दिख रहा है, बट आप एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से इस पॉइंट को। आई होप आपको यह चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप ऐसे सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही न्यू मज़ेदार वीडियो ला पाएंगे जिससे आपको भी आसानी होगी। अगर कोई आर्ट एंड क्राफ्ट के है, अगर आपके भी स्कूल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया है, और हमें भी सपोर्ट मिलता जाएगा ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू भाई, और हमें ऐसे ही फिल करना है। अब ये बहुत ज़्यादा ही लग रहा है सैंड, बट अभी भी एक कलर बाकी है जो कि है येलो ऑरेंज। जैसे आप देखिए गाइस, अब क्या ये लग रहा है सैंड की तरह? थोड़ा सा मुझे पता है ये थोड़ा सा लग रहा है, मैं इतना एक्सपर्ट तो रही हूँ, बट मुझे जो भी पता था, मैंने आज तक जो भी सीखा था ड्राइंग में उसका मैंने बेस्ट यूज़ किया है आज, मुझे जो आज तक लगा है। गाइस इस वीडियो को आप प्लीज़ अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मेरा जितना आइडिया है ये बहुत ही सुंदर ड्राइंग बन के आएगा। अब हमें इसे भी ब्लेंड करना होगा, ट्री भी थोड़ा सा ब्लेंड हो गया, कुछ नहीं वो हो सकता है। अब देखिएगा ये ब्लेंड होने के बाद कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है गाइस, बट ये बेंच और बॉल अभी भी बचा हुआ है। तो इस बॉल के लिए हम यूज़ करेंगे ब्लू, लाइट ब्लू। लेमन येलो एंड लाइट ग्रीन, एंड प्राइमरी रेड। अब हम यहाँ पे कलर पेंसिल से इसे ब्राउन कर देंगे, बट उससे पहले हम इसके पैर को कलर करेंगे, मीन्स
बेंच के पैर को। अब गाइस हमें जरूरत पड़ेगी वो कलर पेंसिल की, बट मेरे पास अभी कलर पेंसिल अवेलेबल नहीं है, तो मैं अब इसे ऐसे लाइट से घुमाऊंगा कि ये लगेगा ये कलर पेंसिल से ही किया हुआ है। ये थोड़ा सा आपको गलत लग सकता है, बट अब मैं कलर पेंसिल से ही कर सकते हैं और आपके कलर पेंसिल से ये और भी अच्छा लगेगा। तो ये कलर पेंसिल इसकी असली शोभा है। अब आप इसे मोटे भी कर सकते हैं, अगर आप करेक्ट दूरी मेंटेन करें तो इसे मोटा करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ठीक ठाक लुक दे रहा है, बट ये बेंच थोड़ा सा खराब है, तो आप इसे भी मोटा कर दीजिएगा। अब ये ठीक ठाक लग रहा है, मुझे माफ करना, ये बेंच थोड़ा सा गंदा हुआ है, बट अब आप ये ओवरऑल ड्राइंग देखिए। बट गाइस अभी भी ये थोड़ा सा बाकी है, जिससे हमें सन और ये बीच का डिफरेंस बुझे। तो इसके लिए मैं ब्लैक नहीं, पेंसिल को ही डीप चलाऊंगा, जिससे एक लाइन डीप बन जाए और हम समझ सके क्या है ये। अब हम सूर्य का सन के पास में ऐसे लाइन करेंगे। आप गाइस देखिए इस ड्राइंग का फाइनल लुक, ये तो तगड़ा लग रहा है गाइस। बट ये बेंच आप अपनी तरह से भी कर सकते हैं, बट ये देखिए गाइस मेन लुक यही है। और अगर आपको और भी डिटेलिंग चाहिए तो आप व्हाइटनर से इसके ऊपर रिफ्लेक्शन बना सकते हैं। तो मैं प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़े देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ और मैं इसे एक रिफ्लेक्शन भी दे रहा हूँ।